यह है जयपुर का खेतड़ी हाउस, जो जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना था और राजा की उपाधि खेतड़ी को मिली हुई थी। और ये खेतड़ी हाउस और जितने भी यहाँ बिसाऊ हाउस और सारे बने हैं, ये सब सिक्योरिटी के हिसाब से बनाए गए थे कि चांदपोल दरवाजे के पास अगर कोई दुश्मन का हमला हो तो उससे ये रोक सके। हजारी बुर्ज के ठीक सामने बने इस खेतड़ी हाउस में स्वामी विवेकानंद जी 3 बार आए थे। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य बन गए थे। माउंट आबू में जब स्वामी विवेकानंद एक गुफा में बैठे थे, तब उन्हें किशनगढ़ के मुंशी फैज अली खान साहब ने उनका परिचय खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी के प्रधानमंत्री जगमोहन से करवाया, और जगमोहन ने फिर खेतड़ी के राजा से विवेकानंद जी का परिचय कराया। उसके बाद वो खेतड़ी के गढ़ में आ गए, कई दिनों तक खेतड़ी के गढ़ में रहे। बाद में वो यहाँ जयपुर में भी 3 बार आए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो साफा पहना था, वो साफा भी खेतड़ी के राजा ने, क्योंकि उन दिनों में दरबार में उघाड़े माथे जाने का रिवाज नहीं था, तब फिर वो साफा पहनाया गया उनको, और विवेकानंद जी ने अंतिम समय तक वो साफा अपने माथे पर बांधे रखा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम विविशानंद था, नरेंद्रनाथ भी उनको कहते थे। लेकिन बाद में खेतड़ी के राजा ने एक दिन कहा कि आपका नाम बड़ा अटपटा सा लगता है, तो विवेकानंद जी ने कहा आप नाम बदल दीजिए, तो उन्होंने उनका नाम विवेकानंद रख दिया, और अंतिम समय तक उनका नाम देने वाले खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे। अजीत सिंह जी ने उनको जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ 1891 में, तब खेतड़ी के राजा ने सारा खर्चा, जो पेनिसुइया जो हवाई जहाज यहाँ से रवाना हुआ, जहाज में प्रथम श्रेणी का टिकट उन्होंने करवाया, उनके लिए एक चोगा बनवाया और कपड़े और आदि की व्यवस्था की। अभी झाबरमल शर्मा ने जो पुस्तक लिखी है खेतड़ी नरेश और स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसमें ये वर्णन आया है कि अजीत सिंह जी विवेकानंद जी की माताजी को 500 रुपये महीने का हमेशा जब तक वो जीवित रही तब तक वो मनी ऑर्डर भेजते थे। ये है खेतड़ी हाउस, जिसमें जब शिकागो से धर्म सभा में डंका, दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बजाने के बाद जब विवेकानंद जी भारत लौटे, तो सबसे पहला पूरे हिंदुस्तान का यही हाउस था जिसमें रोशनी की गई और रात को यहाँ पर आतिशबाजी का आयोजन हुआ था। स्वामी विवेकानंद यहाँ जयपुर क्लब में रहे। पंडित सूर्य नारायण शर्मा से उन्होंने व्याकरण का ज्ञान लिया, और एक बार जब वो 10 दिन तक यहाँ पर रुके, तब वो जयपुर में उनके साथ में घूमे थे। और यहाँ पर खाटू हाउस का जो हरी सिंह लाडखानी थे, वो जयपुर के सेनापति थे और वो भी उनके शिष्य बन गए थे। भूर सिंह मलसी सर भी उनके शिष्य बन गए थे। इसके अलावा जयपुर में कौंसिल के सदस्य श्री संसार चंद सेन, जिनके नाम से संसार चंद रोड बना हुआ है, वो संसार चंद सेन भी विवेकानंद जी के उस ज़माने में शिष्य बन गए थे। ये खेतड़ी हाउस आज दुर्दशा का शिकार है। जहाँ कहीं चरण पड़े थे श्री विवेकानंद जी के, आज ये जगह बिल्कुल सुनसान है और इसकी कोई सार संभाल नहीं है। हाई कोर्ट के निर्देश पर यहाँ पुलिस का पहरा है, ताकि संपत्ति को किसी तरीके से कोई नुकसान न पहुँचाए,